Bismillah Asalaamu Alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students uh, today we are going to start a new story and the name of this story is My Early Home. My Early Home Acha this story mein, uh, शायद कोई अपने बचपन की कोई याद बताने वाले हैं क्योंकि माई अर्ली होम का यही मतलब है कि जो आ, हमारा पहला घर था मतलब जब मेरी पैदाइश जहाँ हुई जहाँ से मेरी मतलब जब मैंने होश संभाला है और मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्ग का माहौल कौन सा है तो वो वाला जो एरिया जहाँ पर वो वक्त व्क गुजरा तो उसके बारे में अभी कोई आपको अपने एक्सपीरियंस बताने वाला है सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ My early home. Before starting the story, I want you to have a look at the picture on page number 27. Page number 27. In this picture, you can see that a mare is standing with her pony. A mare is standing with her pony. मेर इज़ मदर हार्स मदर हॉर्स को क्या कहते हैं मेर और पोनी इज़ बेबी हॉर्स बेबी हॉर्स बेबी हॉर्स कोई वर्ड नहीं होता लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि पोनी जो होता है वो असल में पोनी का जो मीनिंग है वो है बेबी हॉर्स मतलब छोटा हॉर्स जो होता है जो न्यू बॉर्न होता है तो उसको क्या कहते हैं पोनी

वो कौन सी जगह की है कि इट वॉज़ अ लार्ज प्लेजेंट मेडो प्लेजेंट मीन्स जहाँ रह कर अच्छा लगे जिसे देख कर अच्छा लगे उसको प्लेजेंट कहते हैं जिसे महसूस करके अच्छा लगे उसको प्लेजेंट कहते हैं ठीक है आपने प्लेजेंट वेदर को कभी फील किया होगा जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं द वेदर इज़ प्लेजेंट ठीक है तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत मेडो थी चरागाह इसको कहते हैं चरागाह ग्रासी लैंड को कहते हैं ठीक है लार्ज मीन्स वेरी बिग लार्ज मीन्स वेरी बिग द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर जो मुझे अच्छी तरह याद है वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विद अ पोन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन एट इसमें एक तालाब भी था पानी वाला ठीक है क्लियर वाटर साफ पानी का एक तालाब भी था सम शेडी ट्रीज लीन ओवर इट एंड रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड ठीक है सो सम शेडी ट्रीज leaned over it एंड rushes एंड water लिलीज ग्रू एट द डीप एंड इसको समझने के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहती हूँ दिस इज अ ट्री बट इट इट हैज leaned ओवर द मेडो दिस इज अ मेडो मैंने आपको बताया ग्रासी लैंड को मेडो कहते हैं ग्रासी लैंड को क्या कहते हैं मेडो कहते हैं दिस इज मेडो दिस इज अ मेडो एंड अ ट्री इज लीनिंग ओवर इट अगर ये ट्री स्ट्रेट होता तो हम ये ना कहते कि द ट्री लीनड ओवर द मेडो बट जो आपको स्टोरी सुनाई गई है उसमें कहा है कि सम शेडी ट्रीज इज़ लीनड ओवर द मेडो ठीक है ये सीधा ट्री नहीं है इट इज ली इट हैज लीड ओवर द मेडो आप देखो इसकी जो शेड्स uh, हैं इस जो शेडी ट्री है इसका जो शेड है आपको मेडो पे नजर आ रहा होगा ये देखें ये शेड है इसका रशेज इन प्लांट्स को कहते हैं ठीक है दे आर काइंड ऑफ प्लांट्स रशेज रशेज आपको बताया है कि जो मेडो था उसमें ट्रीज um, थे एंड द ट्रीज लीनड ओवर द मेडो और सेकेंड चीज जो आपको बताई है कि देर आर रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड एक साइट को रशेज और वाटर लिलीज भी थे दीज आर वाटर लिलीज वाटर लिलीज वाटर लिलीज एंड फ्लावर्स को कहते हैं ठीक है यहाँ इस वक्त फोर वाटर लिलीज आप देख सकते हैं वाटर लिलीज तो आपको जो ये जो भी बंदा है जो भी पर्सन है वो आपको बता रहा है कि होता ये था कि जो एरिया था हमारा वो मेडो था मेडो में ट्रीज थे और उसके अलावा क्लियर वाटर का एक पॉन्ड भी था तालाब भी था और वाटर लिलीज़ और रशेज़ भी थे मतलब एक इंतहाई खूबसूरत मंजर इस बंदे ने आपको डिस्क्राइब करके बताया जो भी बंदा है ठीक है लेकिन एक बात जो अभी तक साबित हो रही है कि इसमें इसने घर की बजाय मेडो का जिक्र किया है तो मतलब ये किसी एनिमल की स्टोरी है ठीक है किसी एनिमल की स्टोरी है और जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो यकीनन ये एक हॉर्स की स्टोरी है ठीक है क्योंकि स्टार्ट ही मेडो से हुआ मेडो में जो मतलब अगर मेरी कोई पहली याद होती तो मैं आपको बताती कि फलां जगह पे हमारा घर था लेकिन यहाँ ये जो जितना मंजर इसने बताया है अभी तक ठीक है इसमें कहीं पे घर का जिक्र नहीं आया मेडो है ट्रीज़ हैं रशिज़ हैं वॉटर लिलीज़ हैं तो मतलब ये किसी एनिमल की स्टोरी है ठीक है एनिमल की स्टोरी है और वो जो एनिमल है वो प्रॉबेबली हॉर्स है ओवर द हैज ऑन वन साइड वी लुकड इन टू अपलफ फील्ड मतलब जिन दिनों ये पैदा हुआ है और जिन दिनों इसने हॉर्स संभाला है तो ये देखता है कि जो हैज था अच्छा ये जो एनिमल्स को रखने के लिए जो जगह होती है और एनिमल्स के लिए जो घर में जगह बनाई जाती है उसके इर्द गिर्द भी एक फेंस बनाई जाती है फेंस मैंने आपको बार बार बताया डोरोथी म्यूज तक के स्केर क्रो में एक और मतलब आपको दिखा देती हूँ फ़ेंस क्या होती है उसको हेज भी कहते हैं ठीक है दिस इज़ अ फेंस फेंस ठीक है ये जो वुड से इन्होंने बाउंड्री बनाई है उसको फेंस कहते हैं ठीक है तो ये जो फेंसिंग जब एनिमल्स के जो रहने की जगह के इर्द गिर्द की जाती है तो उसको हेज कहा जाता है ठीक है हेज, हेज हेजेस बागीचों के इर्द गिर्द भी बनाए जाते हैं ठीक है सो ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इन टू प्लफ्ड फील्ड ठीक है एक साइड को हमें एक फील्ड uh, दिखाई देता था खेत दिखाई देता था जिसमें हल चलाया हुआ था मतलब ये जिन दिनों पैदा हुआ है उन दिनों फसल की बुवाई के दिन थे ठीक है तो इसने प्लफ्ड फील्ड इसको याद है कि उसमें हल चला हुआ था और उसको तैयार किया गया था फसल के लिए बट अभी कुछ बोया नहीं है ठीक है एंड ऑन द अदर साइड वी लुक्ड ओवर अ गेट ऐट आवर मास्टर्स हाउस ठीक है ऑन द अदर साइड एक साइड को तो खेत है दूसरी साइड को हमारे मालिक का घर था ठीक है हमारे मालिक का घर था वी विच स्टूड बाय द रोड साइड जो रोड के बिल्कुल ऊपर था बाय द रोड साइड बिल्कुल नज़दीक था ठीक है बाय द रोड साइड नीयर द रोड साइड एट द टॉप ऑफ द मैडो वॉज अ ग्रोव ऑफ़ फर ट्रीज एट द टॉप ऑफ द मैडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फर ट्री ग्रोव ऑफ फर ट्रीज क्या होता है ये फर ट्री की पिक्चरें फर ट्री इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं इनको फर ट्रीज़ कहते हैं ये ट्री जो है इसको क्या कहते हैं फर ट्री कहते हैं और इसके छोटे से जंगल को फर ट्रीज़ uh, का ग्रोव कहा जाता है ग्रोव ऑफ फर ट्रीज ग्रोव ऑफ फर ट्रीज इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया का वो जिक्र कर रहा है वो यही एरिया है ठीक है ट्रीज़ ट्रीज़ लीनड ओवर द मैडो ठीक है वन साइड पे कहीं पे ये जो वन साइड है यहाँ कई फील्ड कोई खेत वगैरह है और जो दूसरी साइड है वहाँ कहीं मास्टर का होम है ठीक है यहाँ यहाँ कहीं मास्टर्स का होम जो टॉप ऑफ द मैडो मतलब जो ऊपर की साइड ऊपर की साइड नहीं होता लेकिन पिक्चर में या मंज़र में जब आप देखते हो आगे की साइड ठीक है उसको टॉप ऑफ दैट थिंग कहते हैं यहाँ पर मेडो की बात हो रही है तो टॉप ऑफ मेडो तो यहाँ मेडो में जो आगे की तरफ अगर जाओ तो क्या होता है यहाँ पर ग्रोव ऑफ फल ट्रीज नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा है ना आप सबको ठीक है और बॉटम बॉटम मीन्स जब नीचे की तरफ का जो मंजर मतलब यहाँ इस साइड को जब हम आएंगे अपनी तरफ को तो वो क्या है तो सेंटर से थोड़ा नीचे की जब मंजर मंजर को जब हम सोचते हैं तो जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है उससे जो नीचे का साइड होता है उसको हम बॉटम कहते हैं तो बॉटम में क्या था अ रनिंग ब्रुक एक चश्मा बह रहा था ठीक है एक चश्मा बह रहा था तो ये पूरा मंज़र था जिस एरिया में ये हॉर्स रहता था अच्छा मैं इसी लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ ओवर द हेज

ओवरह बाय अ स्टीप बैंक जिसके किनारे थोड़े ढलवान वाले थे मतलब थोड़े ऊंचे बनते थे ठीक है अगर जो नदी है वो थोड़ी नीचे की तरफ है और उसके किनारे दोनों साइड से बहुत ऊंचे हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं स्टीप बैंक अच्छा बैंक का एक मीनिंग आपको पता है जहाँ से लोग मनी ट्रांजैक्शन का, का काम करते हैं मनी एक्सचेंज का काम करते हैं बस मनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या जितने भी काम हैं वो बैंक में जाके सॉल्व होते हैं तो बैंक का एक ये मीनिंग होता है और दूसरा बैंक जो है किनारे को कहते हैं बैंक किनारे को भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये जो बैंक है ये ब्रुक की बैंक की बात हो रही है मतलब चश्मे के दोनों किनारों की बात कर रहे हैं तो मतलब उसके स्टीप बैंक थे आ, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ थे ठीक है वन आई वॉज यंग I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. जब मैं बहुत छोटा था तो मैं माँ का दूध पीता था क्योंकि मैं ग्रास नहीं खा सकता था यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये किसी एनिमल की स्टोरी है एज़ का मतलब यहाँ बिकॉज है ठीक है एज़ का क्या मतलब है बिकॉज वाइल आई वॉज यंग आई lived अपन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड not ईट ग्रास In the daytime, I ran by her side and at night, I lay down close to her. हर दिन के वक्त मैं उसके साथ साथ भागता था और रात को मैं उसके साथ सोता था By का मतलब भी near है और close का मतलब भी near है ठीक है बाय का मतलब भी नियर है रैन बाय हर साइड उसके साथ साथ दौड़ता था एंड ऐट नाइट और रात के वक्त आई ले डाउन में लेट जाता था क्लोज़ टू हर उसके नज़दीक क्लोज़ बाई हर उसके नज़दीक वेन इट वॉज हॉट जब गर्मी होती थी वी यूज़ टू स्टैंड बाई द पोंड इन द शेड ऑफ़ ट्रीज़ जब गर्मी होती थी हम खड़े हो हो जाया करते थे बाई द पोंड तालाब के पास इन द शेड ऑफ़ ट्रीज़ दरख्तों के सय में अच्छा खुद जाके खड़े नहीं होते थे ये एक सिस्टम होता है हर घर में जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है तो गर्मियों में उनको खड़ा करने का या बांधने का जो सिस्टम होता है वो कहीं और होता है और सर्दियों में इनको कहीं और बांधा जाता है गर्मियों में इनको खुली फ़िज़ा में बांधा जाता है ताकि मतलब ये आ, इनको हवा भी मैसर होती रहे और सर्दियों में तो सर्दी से बचाने के लिए इनको किसी कमरे टाइप जगह पे रखा जाता है ठीक है तो ये कहते हैं कि जब गर्मी हुआ करती थी तो वी यूज़ टू स्टैंड बाय द पोंड इन द शेड ऑफ़ ट्रीज़ हमें पॉन्ड के पास बांधा जाता था या हमें पॉन्ड के पास रखा जाता था अच्छा रखा जाता था पुराने वक्तों की एक याद है या आदत है उसके लिए ये वर्ड यूज़ टू इस्तेमाल हुआ है यूज़ टू ऐसा हुआ करता था ठीक है तो यूज़ टू का मतलब यहाँ यूज़ नहीं है इस्तेमाल नहीं है हुआ करता था ऐसा होता था इसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ टू स्टैंड हम खड़े हुआ करते थे बाय द पॉन्ट तालाब के पास इन द शेड ऑफ ट्रीज़ दरख्त के दरख्तों के साये में एंड वन इट वॉज कोल्ड और जब सर्दी होती थी वी हैड वार्म शेड नियर द ग्रोव जो फर् ट्रीज़ का जो ग्रोथ था वहाँ पर हमारे लिए एक शेड बनाया गया था ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं चौपाल टाइप का जो होता है एरिया जिसमें हम एनिमल्स को बांधते हैं उनको शेड कहते हैं ठीक है बाढ़ भी कहते हैं इनको लेकिन शेड ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है इनके लिए तो उनके लिए एक कमरा सा बनाया जाता था जिसमें वो गर्म बैठते थे चौपाल होता था पूरा अच्छा अगर आपने नहीं देखा तो आपने ये जो खाना बदोश होते हैं जो जगह जगह फिरते हैं वो अपने मवेशियों के लिए भी उस तरह का शेड बनाते हैं ठीक है अपने लिए तो झुम्पड़ी बनाते हैं लेकिन ये जो जानवर होते हैं उनके खड़े होने के लिए या उनके बांधने के लिए वो शेड बनाते हैं और यकीन आपने देखे होंगे अच्छा एज uh, as soon as I was old enough to eat grass, जैसे ही मैं इस काबिल हो गया कि मैं घास खाना शुरू हो गया माई मदर यूज़ टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम एंड के कम बैक इन द इवनिंग मेरी मदर जाया करती थी यूज़ टू गो जाया करती थी करती थी के लिए ये यूज टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ ठीक है यूस टू गो आउट टू वर्क इन दे टाइम दिन के वक्त काम पर जाया करती थी एंड कम बैक इन द इवनिंग और शाम को वापस आया करती थी ठीक है कम बैक इन द इवनिंग शाम को वापस आया करती थी आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे आप इसको घर पे रीड करें जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रीडिंग में तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसकी रीडिंग करके इस आ, अपनी रीडिंग की वीडियो हमें भेजें ताकि हम आपकी रीडिंग असेसमेंट कर सकें और बता सकें कि आपको कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर इम्प्रूव करना है ठीक है सो आई होप यू लर्न एंड एन्जॉयड ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था जो बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है हॉर्स ने अपने अपनी पहली यादों को Uh, पहली uh, पहले घर की यादों को सो आई होप यू इन्जॉयड फॉर टुडे विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफि